नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मेरी सरकार की एक ही भक्ति है और वह है देशभक्ति। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट, एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता देश की पहचान है। हिंदू और मुसलमानों को गरीबी के खिलाफ लड़ना चाहिए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मनरेगा कांग्रेस के 60 सालों के पापों का परिणाम है, क्योंकि इतने वर्षों बाद भी लोगों को गड्ढे खोदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अगले वित्त वर्ष में 8% से ज्यादा रहेगी आर्थिक वृद्धि दर। आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाए जाने, कच्चे तेल की कीमत में नरमी तथा नीतिगत ब्याज दर में कटौती से देश की आर्थिक वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में 8.1 से 8.5% रहेगी और आने वाले वर्षों में दहाई अंक तक चली जाएगी। केंद्रीय बजट से पहले संसद में रखी गई 2014-15 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है, जो 2013-14 में 6.9% से ऊंचा है। वित्त वर्ष 2014-15 में खाद्य उत्पादन 25.70 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो पिछले 5 वर्ष के औसत प्रदर्शन से 85 लाख टन अधिक होगा। आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ रहे हैं शिक्षित लोग, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शिक्षित लोगों के आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने पर चिंता जाहिर करते हुए शुक्रवार को कहा कि ऐसा सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकता के अभाव के चलते हो रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि ज्ञान और जानकारी ऐसी होनी चाहिए जो नैतिकता और संस्कृति की ओर ले जाए। नैतिकता के अभाव में ज्ञान खतरनाक रूप धारण कर सकता है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख की भारत को चेतावनी। भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा से पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने भारत को नियंत्रण रेखा पर कथित तौर पर उकसावे का मुंहतोड़ जवाब देने की चेतावनी दी है। सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल असीम सलीम बाजवा ने बताया कि सेना प्रमुख ने भारतीय गोलीबारी से प्रभावित सियालकोट के पास के इलाकों का दौरा किया और सैनिकों तथा स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। हालांकि यह भी किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है। भारत विरोधी आतंकवादियों पर नकेल कसे पाकिस्तान, अमेरिका की नसीहत। दक्षिण एशियाई मामलों के 2 अमेरिकी विशेषज्ञों ने कहा है कि यदि पाकिस्तान अपने देश में सक्रिय भारत विरोधी आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने में असफल रहता है, तो अमेरिका पाकिस्तान को भारत की ओर से किसी भी प्रकार के खतरे के प्रति आश्वस्त नहीं कर सकता। स्टडीज कार्नेगी इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के उपाध्यक्ष जॉर्ज पार्कोविच ने कहा कि अच्छी खबर यह है कि भारत पाकिस्तान की किसी जमीन या वहां कुछ भी हासिल करने की इच्छा नहीं रखता, इसलिए भारत से खतरा केवल पाकिस्तान की आक्रामकता या भारत में आतंकवाद फैलाने के जवाब में हो सकता है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।